मुरली के बजे भैया नेक्स्ट यादव और ये 10 रुपए का दान तनबेश सनोप रामगोपाल यादव बैठी निवासी ये सभी भक्त निब्बा बाबा के चरणों में दान करते हैं। निब्बा हरि बाबा इन भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे ये इस कमेटी के मैनेजर साहब हैं कल्याण सिंह यादव, उनका कहना है भैया जो चंदा आपने लिखवाया है वो आकर अपनों दे दें आज, और जो किसी को ना लिखवा हुआ है वो देना चाहे वो भी यहाँ पर ही बोलेगा। तो सभी भक्त अपना चंदा जो लिखवा हुआ है वो दे जाए और ना लिखवा हुआ वो प्रदान करें वो भी बोलेगा यहाँ पर आके। बोली पारे महाराज की स्वामी से ईश्वर से ध्यान लगा रही है रे नरे पर में। जब से तब सेवन मेरे में सी बसिए मैंने और को नाम बिसार लिए और प्रभु नाम तुम्हारे पे भेंट कसिए। ऐसी करो मेरी लाज रहे जब मेरी हंसी सो तुम्हारी अब जागत से किस्मत सोती। अरे अब जागत से किस्मत सोती नाम लमन जा सासुल के तई बरसे सच्चे मोती। मोती पर से गोला थारे कच्चे दूध पल से रे हंदवाए दो मेरे स्वामी मेरी आए तेरे राखे दई लाजे। मोती नरे परे परे साए दे अरे
लेकर के आई हूँ। अंशनी चुगला अरे जल्दी जल्दी कुटिया जैसो मौत चलाए काए काए भी सब खाए ले जे मेरे लिए भूख लग रही सच्चे मोती है और मैंने खाए ले देख ले भैया वसोट ना देखी हो तुम तो वो तो मैंने खा लिए ऐरी जा हनुओं को ख्याल करो एंचो जो तो तेरे संग ही हो वो तो मैंने खा लिए वो तो खा लिए वो तो मैं पतो अब जे रह गया से ले तुम खा ले जे अब जिन्हें तीन को मैं खाऊंगा जे रह गया जेऊ तू ही खा ले मेरे का पेट भरे हो इनसे जेऊ खा ले आप ये तो ही तो है पूरो जो आदमी से पहले भैया रवानी खात होगी नक फुर्रो तो जब मेरे लिए भूख लग रही तो मैंने खा ले तो का बात है गई इतनी बड्डी है गई बबूर जान आया हो सबूर हंसनी सच्चे मोतियों की दावत सुरे गऊ के दूधों से स्नार रूमालों से पछवा लिया अब हम तुम जीवत भाई निशंग अब जम आए पर और पर उड़ने के काबिल हैं एक बात बता ऐसे हमारे तुम्हारे लिए राजा और ऐसी कचहरी ढूंढे से ना मिले ही जिस टाइम चिट्ठिया लेकर के हम तुम उतर के चले तो चत्रटारी बाले खाने से नीचे आ गई थी कहने लगी हंस महाराज कहाँ जा रहे हो हमने बताया तुम्हारी शादी का सिक्का लेके इंद्रपुरी इंद्रदेव के पास जा रहे हैं तो उन्होंने कहा था मेरी चिट्ठी नरवर में जरूर पहुंचाना पलट में नाम लिख दिया पति मिले तो नरवर वारे न जन्म कुआरी तो जो चिट्ठी चल चला राजा नल को दई चल रहा है अरे कर्म स्वरा हंसा चले अरे मन में हुए हिसाब से तो वो ना बड़े ढोल चिल्ला जाते महाराज जी हम बड़े ही प्रसन्न हैं आपकी कोई दोनों की सेवा में कमी कमी ना कुछ चाय आपको बढ़िया मिली बढ़िया वाली आपने खाना खाया नहीं और मुंह की बात छूट जाती चिट्ठीला चिट्ठीला महाराज एक पत्थर लाए हैं उल्टे ही बोलते हो आप कोई पत्र होगा मैं लेकर रहा हूं तुम पढ़ ले ए मैं जिम में पढ़ दूं का कम पड़े भाई हाँ जेब में पढ़े दूंगा तो ज्यादा पढ़ो लिखो बताएंगे मुझे हाथ में ही दे दे काची चिट्ठी सुनाओ पढ़ेंगे तो ठीक है पढ़े भाई हम ही ना है सारे को तुक्का फट करेंगे घर के तो मैंने तो चौदह बाप नहीं ना पढ़ाए 10,051 रुपया नंगदास अच्छा 10,000 रुपया नंगदास दोषी सिंह काय के वे ऐसा करेगा पीता के लौंडिया चुटीला ना बांध लेते मुड़ पे तुम्हारे जैसों से सिंह बोलते हैं सिंह कहते चलो 10,051 रुपए नंगदा दो सिंह रंग काला कारे गोरे तो दो रंग होता है छप सिक्का सही हो छप सिक्का सही हो 10,051 रुपए नंगदा दो सिंह रंग काला दो गभा हंस और हंसनी जी फिर 10,051 रुपए नंगदा दो सिंह रंग काला दो गभा लंबी पूछ आले पूछ का क्या मतलब है इसमें बांधने में लगा के लौंडिया ऐसे चुटिया ना लटका लेते कमर पे को अच्छा तुम्हारे देश में उसे पूछ बोलते हैं 10,051 रुपए नंगदा दो सींग रंग काला दो गवा लंबी पूछ 6 महीना की ग्यामा साले काई की चिट्ठी है जो ओ हंसनी और आप पिटवा भाई बहन चो जो बहन सी हमारी चिट्ठी दे दई मोए अरे पल्ली भाई जेब में रखिए पल्ली वाले
बीमारी में। अरे मेरे महाराज जहाँ में हमारी कोई कमी ना है, मैं अनपढ़ हूँ, हंस नहीं हूँ अनपढ़ है। हमारे महाराज गए मेला 10,000 की लाए भैंसिया, 51 रुपया गए लिखाई के, 6 महीना की ज्ञान नहीं, लोहड़िया वारी चिट्ठी भैंसिया वारी एक ही मलैया हम परी मर गए हेलो। और ये 500 रुपए का दान